आप सब जानते हैं कि हमारे नॉलेज अंडर एक्स वाई जेड है। मैं राकेश कुमार आज आपको सब्जेक्ट डिजिटल प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताऊंगा, जो यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दोनों ब्रांच में कॉमन है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 1 में डेसिमल बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड देयर कन्वर्जन। लेकिन हम इस वीडियो में बस जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने चैप्टर नंबर 1 खुल गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली हमारी हेडिंग है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? नंबर सिस्टम वह फैक्ट है जिसकी सहायता से गणनाएं, परिणाम तथा मापन इत्यादि का कार्य किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि नंबर सिस्टम हमारा वह फैक्ट है, वह तथ्य है जिसकी सहायता से हम गणनाएं, मापन क्या और अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह सब हमारे नंबर सिस्टम है। आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। आगे देख सकते हैं कि हमें सिस्टम पढ़ना। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम से तात्पर्य है कि कोई भी क्रिया किसी नियम या सिद्धांत पर कार्य करती है, वह सिस्टम कहलाता है। कहने के ही मतलब कोई सिस्टम अगर है वह किसी सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है, उसे ही सिस्टम कहते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। जो हमारा मेन हेडिंग है, वो जो हमारा सिलेबस रिकॉर्डिंग है, वह टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हमारे चार मेनली जो होते हैं, हमारे नंबर सिस्टम चार ही प्रकार के होते हैं। हम सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। आप जैसे देख सकते हैं पहला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक चार्ट आ गया है जिसमें हम नंबर सिस्टम के एक जगह पर समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसका डिजिट जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच होता है। उसका बेस जो होता है, रेडिक्स जो होता है, वह 10 होता है। और दूसरा हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो नंबर होता है वह 0 होगा या तो 1 होगा, वह दो ही अंक में होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स जो हमारा होता है वह 2 होता है। एंड थर्ड हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो उसका नंबर होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन जो उसका ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो संख्या होती है, वो नंबर होता है, वो 0 से लेकर 7 तक हो गया है। और उसका बेस या रेडिक्स जो होता है वो 8 होता है। इसका डिफिनेशन मैं आगे आपको बताऊंगा, शायद आप देखते रहिए। मैंने इस प्रकार का चार्ट बना दिया जिससे कि आप आसानी समझ सकें। यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, या इसमें क्या होता है कि जो हमारा नंबर होता है वह 0 से लेकर 15 के बीच होता है। यहाँ पर देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को यहाँ पर हम दिखाते हैं। ए से 11 दिखाते हैं, बी से एन 11 दिखाते हैं, सॉरी 11 दिखाते हैं, बी से और 12 दिखाते हैं, सी से 13 को दिखाते हैं, डी से एंड 14 को दिखाते हैं, ई से एंड 15 को दिखाते हैं, एफ से। और इसका जो बेस या रेडिक्स होता है वह 16 ही होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स होता है वह 16 होता है। अब हम जानेंगे कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आपके सामने मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम खुल गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 हो, जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 हो, तथा संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी का मतलब सीधी सीधी भाषा में समझे हम, वह नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स 10 हो। आप यही याद कर लें कि वह नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स 10 हो, तो संख्याएं 0 से लेकर 9 के बीच हो, उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे 970, 420, 430, यह सब हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम है। और हमारा सेकेंड है बाउंड्री नंबर सिस्टम। बाउंड्री नंबर सिस्टम क्या होता है? जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 2 हो, तथा संभव संख्याएं 0 या 1 हो, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि 1001011। कहने के मतलब जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम वो 2 ही डिजिट होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, जो इसका उपयोग करते हैं हम आगे पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। तो देख सकते हैं कि जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 2 हो, या संख्याएं संभव संख्याएं जो हमारे 0 होंगे या तो 1 होंगे, उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 1001 1001 0110 है।
हम आगे देख सकते हैं क्या हमारा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 8 हो, कहने का मतलब जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 8 हो, जाता संख्याएं 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो, सॉरी 7 तक हो, उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया 121 और 430, ये हमारे क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब हमारा फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 16 है, 16 हो, तथा संख्याएं 0 से लेकर 15 के बीच हो, उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। कहने का ही मतलब कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा वही होता है जिसका बेस या रेडिक्स 16 हो, तथा संख्याएं 0 से लेकर 15 के बीच तक हो। अब जो हमारे 10 होते हैं उसे हम ऐसे नोट करते हैं, 11 को 20 से एंड 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से डिनोट करते हैं, उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 3A, 4B, 6C, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मोर नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। थैंक